बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी की बुक रिमझिम का तीसरा पाठ, किरमिच की गेंद। किरमिच का मतलब क्या होता है बच्चों? किरमिच का मतलब होता है रुई या पटसन। पटसन, पटसन से बना एक प्रकार का मोटा और अच्छा कपड़ा। रुई या पटसन, पटसन से बना एक प्रकार का मोटा और अच्छा कपड़ा, जिससे बच्चों आप जिससे बने जूते भी पहनते हो, जिन्हें हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कैनवास। उसी की कतरन से बच्चों ने यहाँ क्या बनाई थी, एक गेंद, जिसका जिसको क्या कहा गया है, किरमिच की गेंद। अब हम पढ़ेंगे पाठ। गर्मी की छुट्टियाँ थीं, दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों की हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। गर्मियों की छुट्टियां थी, छुट्टियों में दोपहर का समय था, उस समय दिनेश क्या कर रहा था, अपने घर में बैठा एक कहानी की किताब पढ़ रहा था। तभी अचानक वहां पर एक कोई वस्तु आकर गिरी, और उसके गिरने की आवाज़ कैसी थी, धम से, और वो वस्तु कहाँ गिरी, बगीचे में। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। दिनेश ने जब उस वस्तु के गिरने की आवाज़ सुनी तो वह वहाँ से उस आवाज़ की तरफ भागा और उठकर बरामदे की चिक सरकाई। बरामदे की चिक क्या होती है बच्चों? चिक, चिक यानी बांस की तिल्लियों से बना पर्दा। चिक किसे कहते हैं? बांस की तिल्लियों से बना पर्दा। बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है, बाहर लू चल रही है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। दिनेश बरामदे की चिक सरकाकर जब बगीचे की तरफ भागता है तो उसकी माँ उसको रोककर क्या बोलती है, अरे बेटा कहाँ जा रहा है, बाहर लू चल रही है। परंतु दिनेश रुका नहीं, उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश के पैरों को जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भागा। अपनी माँ के कहने पर भी दिनेश नहीं रुका, और उसने इतनी गर्मी में भी, जबकि बाहर बहुत गर्मी थी, लू चल रही थी, उसने अपने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। धरती कैसे तवे की तरह जल रही थी, और वो इसकी चिंता किए बिना कि ऐसी जलती धूप में वह बाहर निकलेगा तो उसके पैर जल जाएंगे, इसकी परवाह किए बिना वह उस आवाज़ की ओर भागा चला जा रहा है। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे, एक और सीताफल की घनी बेल थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश जल्दी से भागकर अपनी उस क्यारी की तरफ गया। किस क्यारी की तरफ? जहाँ उसने किसी वस्तु के गिरने की आवाज़ सुनी थी, और उसने क्यारी में लगे पौधों को, कौन कौन से पौधे लगे थे, भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे, सीताफल की घनी बेल उस क्यारी में लगी हुई थी, उसने उस बेलों को और पौधों को अच्छे से उलट पलट कर देखा कि क्या वस्तु गिरी है। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। बराबर में ही उसने देखा घूस का एक गड्ढा। घूस क्या होता है बच्चों? घूस का मतलब क्या होता है? घूस एक तरह का चूहा, देखा है आपने चूहा, चूहे के बराबर जैसा ही एक जंतु होता है, वो भी जमीन में बिल खोद कर रहता है। जैसे चूहा जमीन में बिल खोद कर रहता है, वैसे ही घूस भी जमीन में बिल बनाकर, बिल खोद कर रहता है। ये चूहे के समान ही, चूहे जैसा एक जानवर जंतु होता है। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई, जब उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर देखा, आसपास देखा, तो उसे वहाँ क्या दिखाई दिया, एक
चिम चम चम चमाती किरमिच की गेंद। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। दिनेश ने किरमिच की गेंद को देखा और देखकर उसे उठा लिया। उसने उठा के देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे इस बॉल को, इस गेंद को आज ही किसी ने कहाँ से खरीदा है, बाजार से खरीदा है। उसने उस को उलट पलट कर देखा परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की तीमंजली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। दिनेश ने किरमिच की गेंद को उलट पलट कर देखा परंतु उसे समझ में नहीं आया। उसने नज़र उठाकर उसको देखा और पास में ही तीमंजिला इमारत थी और उसकी तरफ भी देखा किसी बच्चे ने इसे, उसने सोचा कि क्या पता किसी बच्चे ने इस बॉल को, इस गेंद को उस तीमंजिला इमारत से फेंका। लेकिन दिनेश को वहाँ पर भी कोई भी नज़र नहीं आया। इससे उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये बॉल कहाँ से, ये गेंद किसने कहाँ से फेंकी है, क्योंकि उस इमारत के आसपास की सभी खिड़कियां और दरवाजे क्या थे, बंद थे। फिर वो सोचता है दिनेश, फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद। दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहर में इसे नीचे कौन फेंकेगा। उसने अपने मन में सोचा कि ये गेंद किसने खरीदी। उसने अपने दोस्तों के नाम सोचे, सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम उसने अपने दिमाग में सोचे और मन में दोहराए कि कहीं ये बॉल इनमें से तो किसी ने नहीं खरीदी। लेकिन अगर किसी ने इनमें से खरीदी होगी तो वो फेंकेगा क्यों। तो उसने कहा, हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी। तब उसने सोचा कि हो ना हो यह गेंद कहाँ से आई है, सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे। सड़क के पास एक गोल चक्कर का बगीचा बना था कि शायद कि उसने सोचा शायद कि ये बॉल वहाँ से आई है। पर जब उसने वहाँ देखा तो उधर क्या खड़ी थी, 2-4 गायें जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। तब उसे ध्यान आया कि पता नहीं कितनी बार हम बच्चों ने यहाँ क्रिकेट खेला है और क्रिकेट खेलने से उनकी बॉल दूर चली गई और दूर चली जाने से वो मिली भी नहीं। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। एक बार तो क्या हुआ था कि खेलते हुए एक गेंद कहाँ जा गिरी थी, ट्रक में जा गिरी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। जब दिनेश बॉल के बारे में सोच रहा था, वहाँ खड़ा आसपास देख रहा था, तभी उसकी माँ भीतर से उसको आवाज़ लगाती हुई आई और कहा, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं, सब तो अपने अपने घरों में आराम से सो रहे हैं और तू इस धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए भीतर आ गया। दिनेश के हाथ में गेंद थी तो वो उस गेंद को लेकर भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। दिनेश जब गेंद लेकर अपने घर के अंदर आ गया तो वह लेट गया। लेटे लेटे वो क्या सोचने लगा, भले ही यह गेंद किस मोहल्ले में किसी की भी नहीं हो लेकिन हमारी ईमानदारी यही कहती है कि हमें एक बार इसके बारे में मोहल्ले के सभी बच्चों से पूछ लेना चाहिए कि यह गेंद उनमें से किसी की तो नहीं है। गर्मी की छुट्टियां थी, बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक
क्लब बनाया हुआ था। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी तो बच्चों ने अपनी मौज मस्ती खेलने के लिए, अपना मनोरंजन करने के लिए क्या बना रखा था अपनी सुविधा के लिए, एक क्लब। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे। उन्होंने उस क्लब में क्या रख रखे थे, बल्ले और गेंद खरीदने के लिए आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। उस क्लब में उन्होंने एक बैट रख रखा था। और आपस में गेंद कैसे खरीदते थे वो लोग, आपस में जितने भी बच्चों ने मिलकर वो क्लब खोला था वो सब बच्चे आपस में मिलकर चंदा इकट्ठा कर लेते थे और उस चंदे से वो लोग क्या खरीदते थे, बॉल। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है। शाम को जब सब बच्चे इकट्ठे हुए तो दिनेश ने सब बच्चों से क्या पूछा कि मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की भी गेंद खो गई है तो वह गेंद की पहचान बताकर मुझसे ले सकता है। उसने सब बच्चों से कहा कि मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की भी गेंद खो गई हो तो मुझे उस गेंद की पहचान बताकर वो गेंद मुझसे ले ले। दिनेश ने ऐसा क्यों कहा कि है ना, अपनी पहचान, गेंद की पहचान बताने के लिए दिनेश ने अपने साथियों से इसलिए कहा ताकि कोई झूठ बोलकर उससे उस गेंद को ना ले ले। आगे देखते हैं बच्चों। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है, कब खोई थी तेरी गेंद, यही कोई 4 महीने पहले। तभी अनिल बोलता है, अरे मेरी तो गेंद खो गई थी। तो उससे दिनेश ने पूछा कि कब खोई तेरी गेंद, तो अनिल ने क्या कहा, यही कोई 4 महीने पहले, तो वह गेंद तेरी नहीं है। दिनेश ने कहा, तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। जब दिनेश ने पूछा कि ये बॉल किसकी है तो अनिल क्या बोला, अरे ये गेंद तो मेरी है। तब दिनेश ने कंफर्म करने के लिए, पक्का करने के लिए कि यह गेंद क्या वास्तव में किसकी है, अनिल की, तो उसने अनिल से क्या पूछा कि तुम्हारी गेंद कब खोई थी। तो अनिल ने क्या रिप्लाई दिया, क्या जवाब दिया, यही कोई 4 महीने पहले, फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। जब दिनेश ने कहा नहीं ये गेंद तुम्हारी नहीं हो सकती, तो सुधीर ने तुरंत दूसरे उसके साथी ने, जिसका नाम क्या था, सुधीर ने उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा कि वह कैसे, दिनेश ने पूछा, तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। दिनेश ने कहा कि तू मुझे अपनी गेंद दिखा दे तो मैं अपनी निशानी बता दूंगा। सुधीर ने जब उस गेंद के ऊपर अपना अधिकार जताया तो दिनेश ने कहा कि मुझे उसके ऊपर कोई अपनी निशानी बता दो कि यह गेंद तुम्हारी है। वाह, यह कैसे हो सकता है, दिनेश बोला, गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब मैं जानूं। तो दिनेश उससे क्या बोलता है कि अरे देखकर तो कोई भी उसकी निशानी बता सकता है, अगर तुम बिना देखे कोई निशानी बताओ तो मैं जानूं कि यह गेंद तुम्हारी है। कैसे तेरी है, सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। तब दीपक से बोला कि कैसे तेरी है, अरे ये गेंद तेरी कैसे हो सकती है। सभी जो साथी उसके दोस्त सब खड़े थे, सभी ने एक साथ उससे पूछा कि कल तो तू कह रहा था कि तेरे पापा ने तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दिए। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, उसने क्या कहा कि मेरी गेंद तो कितने महीने पहले खोई थी, 5 महीने पहले। दीपक ने कहा, जब बड़े भैया की शादी हुई थी तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दीपक ने क्या कहा कि जब मेरे बड़े भैया की शादी थी तो हम उस गेंद से खेल रहे थे, तब खेलते हुए सुनील ने मेरी गेंद को क्या किया था, छत से नीचे फेंक दिया था। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है, जबकि दिनेश क्या जानता था अच्छी तरह कि यह गेंद किसकी नहीं है, दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी। दीपक की गेंद कब खोई थी, 5 महीने पहले, और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का
एक भी दाग न लगे। तब उसने सोचा कि अरे अगर कोई गेंद 5-6 महीने खोती है और वो 5-6 महीने से जब मिट्टी में या कहीं पड़ी रहती है तो ऐसा संभव ही नहीं है कि उसके ऊपर मिट्टी का कोई दाग ना लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। तब दीपक ने अपना अधिकार और हक जताते हुए कहा कि मैं तो कुछ नहीं जानता, यह गेंद मेरी है और मुझे ही मिलनी चाहिए। तब कहा, अरे जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। अनिल ने कहा, अरे जा, ऐसा क्या सबूत है तेरे पास कि यह गेंद तेरी है? बड़ा आया गेंद वाला उसको ताना मारते हुए कहा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। उसने कहा, हाँ मेरे पास सबूत है, मुझे गेंद दिखाओ तो मैं बता सकता हूँ। दिनेश ने देखा उनमें उनके एक साथी का नाम था दिनेश। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है, गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है कि गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। क्या दीपक, वो क्या जानता था कि गेंद अगर दीपक के पास चली गई तो ये तीनों लोग कौन, दीपक सुधीर और सुनील, ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, आपस में उस गेंद से खेलेंगे। अच्छा मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को भी दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा मैं गेंद तो लेकर आ रहा हूँ लेकिन मैं जब तक गेंद किसी को नहीं दूंगा, जब तक कि मुझे यकीन नहीं हो जाता, मेरे को पक्का सबूत नहीं मिल जाता कि यह गेंद तुम्हारी है या किसी की है। तब दिनेश अंदर जाकर गेंद लेकर आता है। गेंद आ गई, दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यह मेरी गेंद है, यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। जब दिनेश घर के अंदर से गेंद लाता है तो दीपक उसे देखते ही बोलता है, अरे ये गेंद तो मेरी है, देखो मेरी गेंद पे लाल रंग का निशान बना हुआ था और इस गेंद पर भी क्या बना हुआ है, लाल रंग का निशान। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। अनिल ने किसका साथ दा कहा किसका साथ दिया, दिनेश का, और क्या कहा कि सभी पर ऐसे ही निशान होते हैं। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। दीपक ने फिर जोर डाला, फिर उस गेंद पर अपना अधिकार जताते हुए कहा कि मैं, अगर तुम लोग नहीं मानते हो तो मैं अपने पापा से भी कहलवा सकता हूँ कि ये गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। तब अनिल ने कहा, अरे ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ कि यह गेंद दिनेश की है, कुछ भी हो गेंद मेरी है। दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती का पर टप्पा पड़ते ही मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज़ आती है। तब दीपक जिद पे अड़ गया कि कुछ भी हो, वो जिद पे अड़ जाता है कि कुछ भी हो गेंद मेरी है। और दीपक ने गेंद ली और उसको जोर से किस पे मारा, जमीन पर मारा। जब गेंद जमीन पर गिरी तो गिरते ही गेंद में से कैसी टप्पा टप्पा पड़ते ही गेंद की आवाज़ आई। तब दीपक ने क्या कहा, देखो मेरी गेंद में से भी ऐसी ही आवाज़ निकलती है, आती है, मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी ही गेंदे हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अनिल ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, जितनी भी गेंद जमीन पर गिरती हैं तो उसमें ऐसी ही टप्पा मारने जैसी क्या आती है, आवाज़ आती है। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो बाजार चल, मैं और भी बोल पे तुझे ऐसा दिखा सकता हूँ। अच्छी बात है तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा। तो उसने कहा, अच्छी बात है तो लो, मैं इसे कहाँ फेंक देता हूँ, सड़क पर, देखूँ कैसे कोई खेलेगा और देखता हूँ कोई कैसे इस गेंद से खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। दीपक ने जैसे ही गेंद फेंकने के लिए सड़क की तरफ हाथ उठाया तो उसको किसने पकड़ लिया तो उसको
सड़क पर हाथ उठाया तो अनिल और दिनेश ने क्या कर लिया, उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआ से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। जब दिनेश और अनिल ने उसको पकड़ लिया तब दीपक ने रुआ से मतलब रोनी सी सूरत बना के, रोनी सी मतलब रोने जैसी कि मैं अब रो दूंगा, रुआसी सी सूरत बनाकर अपना हथियार आजमाया। या तो गेंद मुझे दे दो नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। या तो तुम मुझे गेंद दे दो नहीं तो मैं इस गेंद के पैसे किससे लूँगा, सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। सुधीर का गुट, अब तो सुनील, दीपक और सुधीर, इन तीन दोस्तों का क्या था, एक गुट, सुनील, दीपक और सुधीर का। तो इनका गुट कैसा होने लगा, मजबूत। और तीनों ही क्या कह रहे थे कि ये गेंद किसकी है, ये तीनों दोस्त क्या कह रहे थे कि ये गेंद किसकी है, दीपक की। किसकी गेंद, दीपक की। दिनेश तब तक तो चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। दिनेश उस टाइम चुप खड़ा था और उसके मन में क्या चल रहा था कि इस गेंद से हम सब मिलकर आपस में खेलें। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ पहले खेलने। तब दिनेश ने कहा, अरे सब लोग अपना झगड़ा बंद करो, पहले मैं इस बॉल से, इस गेंद से हम लोग खेल ले कि जाओ जाकर अपना अपना बल्ला ले आओ। दिनेश ने सब दोस्तों को कहा कि जाओ सब लोग अपना अपना बल्ला ले आओ। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश के ऐसा कहते ही सब लोग दौड़ लगा कर क्या लिया है, अपना बल्ला, और 5 मिनट के अंदर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था, अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान की जालीदार टोकरी में जा गिरी। कि अभी दो चार बारी उन्होंने खेला था, बॉलिंग करी थी दिनेश क्या कर रहा था, बल्लेबाजी कर रहा था, और 2-4 बारी उसने बॉल को खेला ही था कि बॉल उसकी बैट से एकदम जोर से लगकर सड़क पर जाते हुए, ये सड़क पर देखो बच्चों, ये स्कूटर जा रहा है, स्कूटर के आगे एक जालीदार टोकरी बनी होती है जिसमें हम लोग सामान रखते हैं। आप स्कूटर चलाते हो, घर में आपने देखा होगा कि स्कूटर के आगे एक टोकरी सी, जालीदार टोकरी सी बनी होती है। तो वो गेंद कहाँ जाकर गिर गई, उस जालीदार टोकरी में। किसकी जालीदार टोकरी में, स्कूटर की जालीदार टोकरी में। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला, बोल तो उस स्कूटर वाले के जालीदार टोकरी में गिर जाती है लेकिन स्कूटर वाले को पता नहीं चलता है। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। गेंद जब स्कूटर में जाके गिर जाती है उसकी टोकरी में, तो वो गेंद भी उस स्कूटर के साथ ही चली जाती है। पहले बच्चे तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे परंतु जल्दी ही सब रुक गए। पहले तो बच्चे क्या स्कूटर के पीछे भागे, किस लिए भागे बच्चों, बच्चे स्कूटर के पीछे अपनी गेंद को वापस लेने के लिए। परंतु वे जल्दी ही समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। स्कूटर की स्पीड कैसी थी, रफ्तार कैसी थी, तेज। वो बच्चे जान गए कि हम स्कूटर की बराबरी या उसकी रफ्तार की बराबरी हम नहीं कर सकते हैं, तो बच्चे सब रुक जाते हैं। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। एक बार तो सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा, क्यों देखा बच्चों ने एक दूसरे की तरफ, कि अभी तक जिस गेंद के लिए वो सब बच्चे आपस में खूब लड़ रहे थे वो गेंद किसी को भी नहीं मिली, और वो गेंद कहाँ चली गई, किसी अन्य व्यक्ति के ही स्कूटर में जाकर गिरी और कहीं दूसरी जगह चली गई। इससे सब बच्चों को क्या आया, जोर से हंसना आया। बच्चों, इस कहानी के लेखक हैं शांता कुमारी जैन। ये कहानी लिखी गई है शांता कुमारी जैन के द्वारा। थैंक यू बच्चों, ये पाठ हमारा हो गया कंप्लीट।